डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास फोर के मेरी गोल्ड का लेसन थ्री या यूनिट थ्री का हम पार्ट टू का हिंदी अनुवाद करेंगे या हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। नसरुद्दीन एम्स, एम्स मीन्स निशाना साधना, एम मीन्स किसी चीज का दृढ़ निश्चय कर, मतलब एम मीन्स सटीका निशाना लगाना। वन डे नसरुद्दीन वाज चैटिंग विद हिज फ्रेंड, एक दिन नसरुद्दीन अपने मित्रों के साथ गपशप चैटिंग कर रहा था, मतलब गपशप कर रहा था। ही बिगेन टू बोस्ट नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चेरी, उसने डिंगे मारने शुरू किया कि मेरे जैसा, क्या डिंग मार रहा था, मेरे जैसा कोई धनुष बाण नहीं चला सकता। आई स्ट्रिंग द बॉय टेक एम एंड शूट द एरो, मतलब हुज एरो, मैं बाण को धनुष पर रखता हूँ, लक्ष्य को साधता हूँ और बाण छेद देता हूँ और बाण निश्चित रूप से लक्ष्य को भेदता है मतलब निशाना लगाना, निशाने को जहाँ निशाना लगाना है उस निशाने पे जाके रखता। किसने कहा? नसरुद्दीन ने। द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट, मतलब अपने हाई राइड ऑन टारगेट, यह सुनकर हेरिंग दिस ऑन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली ड्रॉड द बॉ एंड सम एरोज, उसके मित्र ने क्या किया, यह सुनकर उसका एक मित्र धनुष और बाण लेकर तुरंत आ गया। गिविंग देन टू नसरुद्दीन ही सेड हेयर नसरुद्दीन टेक दिस बॉय एंड एरोज, वे नसरुद्दीन को देते हुए उसने कहा, यह लो नसरुद्दीन, यह धनुष और बाण है। देन पॉइंटिंग टू वर्ड्स ए टारगेट ही सेड एम एट द That target and school and arrow. नसरुद्दीन ने धनुष बाण को अपने पास ले लिया, फिर लक्ष्य की ओर संकेत करते हुए उसने बोला, उस लक्ष्य को साधो और बाण चलाओ। उसके बाद है नसरुद्दीन held the boy in his hand. Strung it aimed at the target and shot an arrow. Who? मतलब the arrow did not hit the target inside. It fell down somewhere in the middle. नसरुद्दीन ने धनुष बाण को अपने हाथ में लिया और उसे लक्ष्य की को साधा और बाण को छोड़ दिया। बाण बाण व्यू व्यू करता हुआ निकला और लक्ष्य में नहीं लगा, इसकी बचाए हुआ बीच में ही गिर पड़ा। हा 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 हिज फ्रेंड स्टार्टेड लंगिंग, दे सेड हे नसरुद्दीन इज दिस योर बेस्ट एम, हा हा हा, उसके मित्रों ने हंसना शुरू किया और कहा, अरे नसरुद्दीन क्या यह तुम्हारा लक्ष्य है? तो उसने कहा, ओ नो नॉट एट ऑल सेड नसरुद्दीन डिफेंसिंग हिमसेल्फ, दिस वाज नॉट माई एम, इट वाज आजाद एम, आई जस्ट सो इट You
हाउ आजाद शूट एन एरो। उसने क्या बोला कि अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। नसरुद्दीन ने अपना बचाव करते हुए बोला, यह मेरा लक्ष्य नहीं, यह आजाद का लक्ष्य था। मैंने अभी तुम्हें यह दिखाया कि आजाद किस प्रकार बाण को छोड़ता है। आजाद कौन था? उसका दोस्त था। उसके ऊपर उसने बोला, सेइंग दिस नसरुद्दीन पिकेड अप एन ऑथर एरो ऑन्स अगेन ही स्ट्रैंग द बॉट aimed at the target and shot the arrow। क्या हुआ? यह कहते हुए नसरुद्दीन ने एक और बाण उठाया और एक बार फिर धनुष चढ़ाया, लक्ष्य साधा और बाण को छोड़ दिया। This time the arrow fell a little further from had fallen before। इस बार बाण जहां पहले गिरा था उससे और थोड़ा आगे जाकर गिरा और लक्ष्य को नहीं भेद पाया। But it certainly did not hit the target। पर उसने निश्चित ही लक्ष्य को नहीं भेदा। दे आस्केड नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। उन्होंने नसरुद्दीन से पूछा, और यह अवश्य तुम्हारे बाण चलाने का तरीका है। ऑफ क्राउस नॉट आर गुड नसरुद्दीन, इवन दिस एम वॉज नॉट माई मीन इट वॉज द चीफ गार्ड एम। उसने क्या कहा कि यह मेरा निशाना नहीं है, यह तो प्रमुख या मुख्य पहरेदार का निशाना है। नाउ समबॉडी दी मार्केट विल नाउ हु वॉज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। अब किसी ने कहा, तो फिर अब सूची में अगला नाम किसका है। हेयरिंग दिस ऑल द फ्रेंड ब्रश्ड आउट लंगिंग नसरुद्दीन डिड नॉट से वर्ड ही क्विकली पिकेड अप ऑन मोर एरो। मतलब उसने क्या किया, यह सुनकर सभी मित्र ठहाके मारकर हंसने लगे और नसरुद्दीन ने एक शब्द भी नहीं कहा और उसने चुपचाप एक बाण निकाला। एंड अगेन एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वाज रियली लकी द एरो हिट लाइट ऑन द टारगेट। इस बार नसरुद्दीन वास्तव में भाग्यशाली निकला और बाण सही निशाने पे या लक्ष्य पे जाके लगा। एवरीबॉडी स्टार्टेड एट नसरुद्दीन देयर माउथ एगेप इन अमजीमेंट बिफोर एनी वन कॉल्ड से एनीथिंग। नसरुद्दीन सेड, ट्रायम्फेंटली डिड यू सी दैट इट वॉज माई एम। सभी लोग नसरुद्दीन को टकटकी बात कर देखने लगे। क्यों? क्योंकि उसका निशाना एकदम सटीका लगा था। उनके मुंह खुले रह गए। इससे पहले कि कोई कुछ कहे नसरुद्दीन खुश होकर बोला, तुमने देखा, यह मेरा लक्ष्य था। अब आपको इसमें मीनिंग याद करके होमवर्क में आपको याद करके सुनाना है और इसकी फेयर आप बनाइए।